शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी ने गांव के स्कूलों की हालत खराब कर दी है। कई स्कूलों में सिर्फ एक या दो ही टीचर ने स्कूल का दारोमदार संभाला हुआ है। आलम यह है कि अब स्कूल के चपरासी को भी व्यवस्था कंट्रोल करनी पड़ रही है। दरअसल कुरुक्षेत्र जिला के गांव अमीन के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में 105 छात्राएं पढ़ती है और स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, जबकि व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए चपरासी ही एकमात्र टीचर की सहायता कर रहा है। यहाँ पर 105 लड़कियाँ हैं, तो वैसे यहाँ पर पहले 5 टीचर्स थे, तो ट्रांसफर पॉलिसी में वो सभी ट्रांसफर हो गए यहाँ से। अब सिर्फ मैं ही हूँ अकेले, मैथ्स मिस्टर हूँ यहाँ पर, तो मैं ही इंचार्ज हूँ स्कूल की अभी तो फिलहाल। 105 बच्चे संभाल लेती है, कितना मुश्किल होता है? नहीं, थोड़ा मुश्किल है जी। देखो, एक टीचर के लिए तो काफी मुश्किल है। पहले जैसे 5 टीचर थे हम, तो मिलजुल के ही मतलब चलता था स्कूल अच्छे से, तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अकेले पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अभी तो मैं अकेले। क्या नाम है? मोनिका। हाँ, एक टीचर और एक चपरासी के सहारे ही 105 छात्राओं की संख्या वाला ये मिडिल स्कूल चल रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मात्र एक टीचर बच्चों को कितना ही पढ़ा सकता होगा। सिर्फ एक टीचर का हर एक या हर दूसरे बच्चे पर ध्यान देना लगभग नामुमकिन ही है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ना लाजमी है। वहीं गांव के युवा नेता वीरेंद्र सिंह ने बच्चियों के भविष्य की चिंता जाहिर करते हुए इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जल्द स्कूल में टीचर अपॉइंट करने की मांग की। मैं जिस स्थिति उसमें पहुंचा था, उसमें पता लगा कि यहां पर 105 छात्राएं हैं और सभी छात्राओं के होते हुए जो स्कूल चला हुआ था बड़ा अच्छे तरीके से चला हुआ था। पीछे जो 10 दिन पहले कोई ट्रांसफर पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में यहाँ से 5 टीचर से 4 टीचरों की ट्रांसफर हो गई और अब एक टीचर मात्र मैथ मिस्ट्रेस बची हुई है, जिसको 105 बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रही है वो। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी बच्चे वेट कर रहे थे कि हमारे शिक्षक आएंगे, तो शिक्षक कोई आए नहीं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि इन बच्चों के बच्चियों के भविष्य को देखते हुए इनके लिए जल्द से जल्द कोई शिक्षक उपलब्ध करवाया जाए। परेशानी क्या रही है? बच्चों को टीचर ही नहीं है जी स्कूल में, कोई परेशानी, सारी परेशानी है। जो मिड डे मील का कार्य है, स्कूल के जो भी कार्य है, अकेली मैडम कैसे उन कार्यों को कर सकती है। वहीं ग्रामीणों ने भी इस मुद्दे को लेकर क्लस्टर इंचार्ज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल से मुलाकात की। वहीं इंचार्ज कमल बत्रा ने भी ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लिया और अपने स्तर पर स्कूल में टीचर की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़े मतलब लगभग 1-2 दिन पहले ही ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है और विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। तो उसमें ऐसा हुआ कि हमारे पास अभी जो है कोई इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से या सरकार की तरफ से आई नहीं है, तो जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं वो टीचर्स वहाँ से चले जा चुके हैं, लेकिन और टीचर्स ने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। तो अभी विभागीय आदेश तो हमें कोई भी नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी ये हमने अपने स्तर पर आज मैंने अपने स्टाफ की मीटिंग ली और हमने अपने स्तर पर ये कोशिश की है कि हमारे जो स्टाफ वाले हैं उसमें से कुछ 1-2 टीचर की व्यवस्था हमने आर्जी तौर पर कर दी है कि जब तक विभागीय कोई निर्देश नहीं आते तो यहाँ से टीचर वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाते रहेंगे ताकि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। वहाँ पर अभी इस वक्त 105 बच्चे हैं और उनके ऊपर जो टीचर है वो मैथ मिस्ट्रेस है, मैडम मोनिका जी हैं वहाँ पर। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मोनिका मैडम है वो मैथ और साइंस पढ़ा लें और हमारे यहाँ से हम 2 अलग सब्जेक्ट के टीचर मतलब अल्टरनेट डेज पर भेजते रहेंगे ताकि कुछ वहाँ की व्यवस्था भी चलती रहे और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भी नुकसान ना हो। आपको बता दें कि पहले स्कूल में 5 टीचर थे, लेकिन सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में यहाँ से 5 टीचर्स का तबादला तो हो गया, लेकिन उनकी जगह कोई नया टीचर नहीं आया। ऐसे में सरकार की अनदेखी बच्चियों के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द नए टीचर्स को अपॉइंट करने की सख्त जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।